हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 6। तो अगर अभी तक आपने इसकी पार्ट जो है 5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर की इस सीरीज़ का पार्ट 6 जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो हम प्रीवियस ईयर्स पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगी। तो देखिए, आज हम इस सीरीज़ में जो है यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड 20 क्वेश्चन जो है ये हिंदी ग्रामर से रिलेटेड ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके जो हैं इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एंड आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो आपको प्रश्न संख्या 1 से 3 में निम्नलिखित वाक्यों की किस अंश में त्रुटि है। तो आपको जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक जो है इसमें आपको आपको बताना है कि वाक्य को देखकर आपको बताना है कि वाक्य के किस अंश में जो है त्रुटि है, यानी कि गलती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि यहाँ पर जो है इस वाक्य के किस भाग में गलती है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कल जो आदमी को। तो देखिए, ऐसा थोड़ा ना होता, आप ऐसा थोड़ा ना किसी को कहोगे कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। अगर यहाँ पर ये होता कि कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है तो ये सही हो जाता ये वाक्य, बट यहाँ पर जो लगने से जो है ना ये वाक्य गलत हो गया है। सो ये वाला जो इसकी टर्म है ये गलत है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बात सुन ली। देखिए, यहाँ पर होना चाहिए था आपने इनकी सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। यहाँ पर बात नहीं होना चाहिए था, आपने इनकी सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है, आपने बात सुन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो आपको जो है उन्नति का जो है विलोम बताना है। तो उन्नति का विलोम जो है ये हो जाएगा अवनति, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है उपयुक्त लोकगीति से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो ये जो आप ऊपर जो है ये इस लोकगीति से आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। तो देखिए क्या है हमारे पास ऑप्शंस, तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, वह मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, यानी कि बहुत देख लिया अब तो सीधी उंगली से घी निकाल करके, अब तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत तरीके अपना करके देख लिए, वो पैसे लौटा ही नहीं रहा है, तो कोई और तरीका जो है अपनाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, वह मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए, पीताम्बर शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि श्री कृष्ण। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि अभिलाषा का पर्यायवाची जो है वो कौन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है आपसे पूछा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर। मनोहर जो है ये अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मनोरथ हो गया, कामना एंड आकांक्षा, ये सभी जो हैं ये अभिलाषा की पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची हैं, बाकी मनोहर अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पशु का विशेषण जो है वो है पशुपति। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है, पशु का विशेषण जो है वो होगा पशुता, ना कि पशुपति होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पशुता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो है अंबर। सो ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है ऑप्शन देख करके कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धीरे धीरे, ये जो है एक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको ऑप्शन देख के बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्मय। विस्मय जो है ये है शुद्ध शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काट होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो काट होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्तब्ध होना, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाहा का स्त्रीलिंग है। तो जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जुलाहिन, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सदस्यता में जो है कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय जो है ये शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो देखिए सदस्यता में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है ता प्रत्यय है सदस्यता में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए सांप का पर्यायवाची जो है ये है उरग। उरग जो है सांप का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधर शब्द का सही संधि विच्छेद करें। तो पयोधर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए 15 क्वेश्चंस का राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पय जमा धर। और आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि पयोधर में जो है कौन सी संधि है। और बाकी ऑप्शन देखिए आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी संधि है, बट आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कि पयोधर में कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों के पढ़ने की लिपि का क्या नाम है? तो अंधों के पढ़ने की जो लिपि होती है उसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का विलोम क्या है? तो अनुग्रह जो है इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा कोप, ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो थाली का बैंगन होना यानी कि कोई निश्चित विचार ना होना, ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जन्म का भिखारी है वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो आपको बताना है कि वह जन्म का भिखारी है, इसमें जो का जो है ये किस कारक की विभक्ति है? तो का जो है किस कारक की विभक्ति है? तो ये है संबंध कारक की विभक्ति है, ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है? तो कृपया जाएं, आप किसी से कह रहे हैं कि कृपया जाएं, तो ये कैसा वाक्य है? यह एक अनुरोधवाचक वाक्य है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहती हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।